अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू आर फाइन एंड योर स्टडीज गोइंग वेल। आज की जो हमारी वीडियो है वो टूथ मॉर्फोलॉजी के एमसीक्यूज के रिलेटेड है कि हमने एमसीक्यूज जो उनको किस तरह से प्रिपेयर करना है फ्रॉम प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि काइंडली वीडियो को जो है वो शेयर कीजिएगा, और ओरल मॉर्फो जो है ओरल हिस्टोलॉजी जो है मॉर्फो भी, उन सबकी और फर्स्ट बीडीएस के रिलेटेड जितनी भी गाइडेंस है वो सारी प्ले लिस्ट पर अवेलेबल है। आप वहाँ पर जाकर सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियोज़ चाहिए तो वो भी आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देख लीजिएगा, उसमें एफबी पेज, इंस्टा पेज वगैरह के लिंक्स अवेलेबल हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं और वैसे नोट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि हम यहाँ मॉर्फोलॉजी के एमसीक्यूज जो हैं प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से वो किस तरह से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो इसमें जो अगर आप देखें तो आपके पास 9 एमसीक्यूज आते हैं और 3 एसईक्यूज आते हैं। ठीक है, आपके प्रॉफ में, ठीक है, 9 एमसीक्यूज जो हैं उनमें अगर देखा जाए और 3 एसईक्यूज, 3 एसईक्यूज मतलब कि आपके जो है वो 9 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो 9 और 3, 9 जो है वो आपके पास मतलब कि 18 मार्क्स का आपका ये पेपर बन जाता है। ठीक है, तो 19 मार्क्स की आपकी टूथ मॉर्फोलॉजी है, ये टॉक्स में थोड़ा सा आपको जो है बता दिया है इसके बारे में। देन आपकी एमसीक्यूज जो है प्रॉफ में वो कौन कौन से टॉपिक्स में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं, कौन कौन से ज़्यादा किस तरीके से आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है वो मॉडल पेपर देखना है। ठीक है, मॉडल पेपर जो है टूथ मॉर्फो का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि ओरल हिस्टोलॉजी और जो आपकी आपका ये टूथ मॉर्फो है इसके आपने मॉडल पेपर के जितने भी एमसीक्यूज हैं, 45 एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो वो 45 एमसीक्यूज आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए। ठीक है, उनमें से 2 या 3 कभी कभी जो पिछला सप्ताह का पेपर हुआ है उसमें 10 एमसीक्यूज ऑलमोस्ट जो है आपको मॉडल पेपर में से आए थे, तो आपने वो मॉडल पेपर के एमसीक्यूज जरूर करने हैं। फेसबुक पेज जो है उसके ऊपर ये अवेलेबल है एमसीक्यूज, आप वहाँ पर सर्च करके जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है बुक। ठीक है, यानी कि ये जो टूथ मॉर्फो आपकी है इसमें से ही इसी की लाइन जाती हैं, और देन वो आपकी वो ओरल हिस्टोलॉजी है, 10 केयर्स ऑर्गन्स वगैरह उससे रिलेटेड जो एम सी क्यूज हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आपने इसके एम सी क्यूज जो है वो किस तरह से करने हैं। ठीक है, तो जहाँ आपका चैप्टर नंबर 1 एंड 2 है। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो यानी कि आपके पास एफ डी आई सिस्टम, यूनिवर्सल नंबर, पार्मर रोटेशन, इनमें से आपका एक एस सी क्यू आएगा। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक एम सी क्यू आ सकता है। ठीक है, और एस सी क्यू भी आता है। तो ये जो तीनों टॉपिक हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके फिंगर टिप पर चाहिए। ठीक है, इनके जो शॉर्टकट है मेमोरी किस तरह से आप इनको याद करना है वो भी मैंने जो है प्लेलिस्ट पे ऐड किया हुआ है, आप वो देख सकते हैं कि किस तरह से हमने स्टडी करना है इनको। ठीक है, और अगर आप वो टेबल्स याद कर लेंगे, उस फ्लो चार्ट को देख लेंगे, तो आपके एम सी क्यूज जो वो ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने एम सी क्यूज के लिए ये 3 टॉपिक अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। इलेक्शन सीक्वेंस के जो टेबल्स हैं वो आपको आने चाहिए। ठीक है, 2 टेबल हैं वो आपको आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए। ठीक है, उनमें से 1 एम सी क्यू आता है। उसके बाद कस्प से रिलेटेड एम सी क्यू आता है कि जैसे कि एक्स्ट्रा कस्प को क्या कहते हैं, टॉरेंस कस्प क्या है, देन ये आ जाता है कि मेजल साइड पे अगर मैक्सिलरी मोलर है तो उसकी मेजल साइड की कस्प जो है वो किस तरह की है, लिंगुअल साइड की किस तरह की है, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। ठीक है, इनके कस्प से रिलेटेड एक एमसीक्यू होता है। उसके बाद रूट्स से रिलेटेड होता है, कोई भी आ सकता है, जैसा कि हमारे पास आ जाता है कि प्री मोलर्स में कितनी रूट्स हैं, मोलर्स में कितनी रूट्स हैं, या किस जो रूट है वो कितनी एज में जाके जो है कम्प्लीटली डेवलप हो रही है, इस तरह से रूट से रिलेटेड एक एमसीक्यू आ जाता है। ठीक है, उसके बाद सर्फेसिस के रिलेटेड आ जाता है कि मीसियल सर्फेस ज़्यादा लंबी है, जैसे कि वो जो ओब्लिक सर्फेस है उसमें हमारे पास मोलर्स में ओब्लिक सर्फेस है उसका एमसीक्यू आ जाता होता है कि ओब्लिक सर्फेस किस तरह से बनती है। ठीक है, ओब्लिक रिज जो है वो किस तरह से बन रही होती है, तो इस तरह से सर्फेसिस के रिलेटेड एक एमसीक्यू आ जाता है कि यानी कोई भी एक टूथ पूछेंगे उसका पूछ लेंगे कि इसकी मीसियल साइड जो है वो ज़्यादा लंबी है या डिस्टल साइड लंबी है, या इसकी मीसियल साइड शॉर्ट है रफली है, किस तरह की, तो इस तरह का एक एमसीक्यू है जो वो आ जाता है। ठीक है, उसके बाद एनोमलीज से रिलेटेड एक एमसीक्यू आ जाता है, जरूर आ जाता है। ठीक है, तो जो एनोमलीज हैं उनकी आपको सबकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, और ये बतानी चाहिए वो एनोमली किस टूथ की। ठीक है, ये चीज़ भी ज़्यादा पूछी जाती है कि किस टूथ की एनोमली है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने एनोमलीज का जो एमसीक्यूज है उनको प्रिपेयर करनी है। एनोमलीज के रिलेटेड मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। ठीक है, इसी बुक से के साथ बताऊंगी, उसमें सारा मैंने मार्क किया है और सारा आपको बताऊंगी। ठीक है, कि आपने एनोमलीज किस तरह से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, उसके साथ उनकी डायग्राम्स आपने करनी है, लेकिन फिलहाल एमसीक्यूज के लिए फर्स्ट जब भी आपने स्टडी स्टार्ट करनी है तो ये चीज़ें जो है वो ज़रूर देखनी है। देन जो हमारे पास आ जाती हैं बुक से अगर देखा जाए, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 पे अगर देखा जाए, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ना इनको आप एक दफ़ा रीड कर लेना। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन इतनी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको ये डेफिनेशन जो है वो पता होनी चाहिए, जैसे डेंटिशन कब है, परमानेंट, जैसे कि आप ये लिखा हुआ ना कि परमानेंट डेंटिशन, तो वो पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि कब इरप्ट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए फ्रॉम 6 to 21 ईयर्स ऑफ द एज में। ठीक है, और उसके बाद जैसे ये भी मैंने लिखी हुई हैं चीज़ें कि अदर नेम ऑफ द केनाइन इज कस्पिड, क्योंकि इसमें 1 कस्प होती है, अदर नेम ऑफ द प्रीमोलर इज द बाइकस्पिड, क्योंकि इसमें 2 कस्प होती हैं। ठीक है, जो पिछला पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि बाइकस्पिड जो है उसमें डिफरेंस बताएं, तो बच्चों को अब यही नहीं पता था कि बाइकस्पिड हम कौन से टूथ को कहते हैं। ठीक है, तो वो अगर आपको पता होगा तो वो आप लिख सकेंगे। ठीक है, तो पेपर इसी तरीके का आता है कि यानी कि
डायरेक्ट सीधी एक लाइन नहीं पूछी जाती, बल्कि उसके सिनोनिम्स के रिलेट करके उसको पे वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। लेकिन होते वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। उसके बाद ये सारा मैंने एमसीक्यूज़ वगैरह लिखे हुए हैं, इनकी भी डिटेल वीडियोज़ में अलग अलग जो वो अपलोड करती जाऊँगी, आप देखती जाइए। अगर आपको ज़रूरत है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मैं बता दीजिएगा, देन मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद आपने ये रिडक्शन टेबल्स हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। दोनों टेबल्स जो हैं वो आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए, ठीक है। ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं, ये भी आप नोट कर सकते हैं, और डेंटोजिस्ट के जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपने ज़रूर करने हैं, ठीक है। उनमें से भी अक्सर एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, तो डेंटोजिस्ट तो सिर्फ ओपी के लिए नहीं है, बल्कि बाकी सब सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी है। तो आपने जो ओबी है उस सारी जो है वो आपने करनी है हर सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद ये क्वाड्रेंट्स के रिलेटेड ये मैंने सारे एमसीक्यूज़ बनाए हुए हैं, ये भी आपने देख लेनी है, ठीक है। देखें जैसा कि ये पालमर नोटेशन मैं आपको कही थी, तो पालमर नोटेशन जो है हमारे पास आ जाती, तो इसमें हमारे पास जो डेसर्टस टीथ है उनकी है, उनमें हम लोग ए बी सी डी ई, अगर इस तरह से एमसीक्यू आपको आया है कि मैंडिपुलर लेटरल इनसाइलर लेफ्ट इज कौन सा होता है, ठीक है, तो आपको किस तरह से पता चलेगा, ठीक है। तो वो आपको वो साथ पूछना है कि पालमर नोटेशन में इसका क्या क्या नोटेशन होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पेपर में जल्दी से इस तरह से पालमर नोटेशन बनाएंगे, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है इस तरह से आपने बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने देख लेना है कि अब हमारे पास मैंडिपुलर लेटरल इनसाइलर इनसाइजर मैंडिपुलर, ठीक है, लेटरल इनसाइजर लेफ्ट, लेफ्ट साइड पर लेटरल इनसाइजर जो है वो कौन सा है, तो वो बी है हमारे पास, ठीक है। तो वो आपने इधर बी जो है वो लिख देना, ठीक है। इस तरह से आपने इसको प्रिपेयर करना है। अगर आपको नहीं समझ आई या आप चाहते हैं कि इसको मैं डिटेल वीडियो में अपलोड करूँ, तो तब भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इसके मैं आपकी प्रैक्टिस की एमसीक्यूज जो है वो अपलोड कर दूँगी। सर आपको डिटेल में तीनों नोटेशन जो है वो समझा दूँगी, क्योंकि इनमें से एमसीक्यू ज़रूर आता है, ठीक है, वैसे की भी आता है, तो ये आपको रट्टी होनी चाहिए चीज़ें। उसके बाद ये जो चीज़ आ जाती है ना, इसमें से कभी कभी एम सी यू आ जाता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन जन के आपको इसमें वाइफा में कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने ये डेफिनेशन जो है वो याद करनी है, थोड़ी थोड़ी मतलब देख लेनी है कि इनमें क्या क्या, जैसे कि एनाटॉमिकल रूट जो वो कवर्ड किस हुई होती है, सिमेंटम से जो एनाटॉमिकल क्राउन है वो हमारे किस कवर्ड हुई होती है, इनेमल से, इस तरह की इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आप सारी चीज़ें साथ साथ देख लें। उसके बाद देन हमारे पास ये जो टूथ सर्फेसिस हैं इनसे रिलेटेड एक एमसीक्यू आता है, ठीक है। तो ये आपको एमसीक्यू के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है टूथ सर्फेसिस, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास पॉइंट एंगल है और लाइन एंगल है, इसमें डिफरेंस पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है कि एमसीक्यू बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पॉइंट एंगल और लाइन एंगल जो है इसके कितने कितने टीथ आ जाते हैं, मतलब कितनी सर्फेसिस वगैरह आ जाती हैं। तो पॉइंट एंगल अगर इंटीरियर देखें तो उसमें फोर पॉइंट एंगल्स होते हैं, पोस्टीरियर में देखें तो उसमें फोर होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से इनमें से एक एमसीक्यू आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वाला पेज, ये वाला पेज जो है इसमें से भी एक एमसीक्यू पूछा जाता है, किसी भी टूथ के रिलेटेड आ जाता है, जैसे कि इसमें हमारे पास जो कस्पा कैरिबेलाई लिखा हुआ है उससे रिलेटेड एमसीक्यू आ जाता है, कौन से टूथ की होती है, कौन सी सर्फेस पे होती है, ठीक है, कौन सा उसका पार्ट होता है, मेजर या डिस्टल पार्ट, ठीक है, इस तरह से एमसीक्यू आ जाता है इसका। उसके बाद ऑब्लिक रिज, इसके रिलेटेड एमसीक्यू आ जाता होता है, ठीक है, कर्व रिज, इंक्लाइंड रिज, ये पूरे का पूरा पेज आपको फिंगर टिप पे होना चाहिए, एमसीक्यू एसईक्यू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो साथ में इसकी डायग्राम बनी है इसको भी आपने देख लेना है दोनों डायग्राम्स को, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास ये फोर्स ऑफ इनसे रिलेटेड भी एक एमसीक्यू आता है, तो ये यानी कि आपका जो पहला दूसरा और एनोमलीज वाला चैप्टर है, ये तीन चैप्टर अगर आपके अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो गया ना, तो आपका आपकी हाफ मार्क्सो जो है वो हो जाती है, ठीक है। यानी कि ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसमें से एमसीक्यू एसीक्यू ज़रूर आता है, चाहे एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, ज़रूर आते हैं। तो ये आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए पहले दो चैप्टर और एनोमलीज वाला चैप्टर, ठीक है, और अक्लूजल सर्फेसिस प्री मोलर्स एंड मोलर्स की, ये आपने अच्छे तरीके से करनी है आपको हर चीज़ का, जैसे कि इसमें अभी लोअर्स वगैरह है, ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन आपने सारी याद करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि लोब्स जो हैं वो मैक्सिली के सेंट्रल इंसाइजर में कितने हैं, मैक्सिली जो मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर है उसमें कितने हैं, ठीक है, प्रीमोलर्स में कितने हैं, परमानेंट टीथ में कितने हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि परमानेंट टीथ जो है इसमें प्रीमोलर्स हमारे पास आ जाते हैं, तो प्रीमोलर्स जो हैं वो एग्जिबिट करते हैं फोर लोब्स होते हैं इसमें, ठीक है, थ्री बकल एंड वन लिंगुअल बट एक्सेप्शन इन द सेकंड प्रीमोलर हैविंग फाइव लोब्स, क्योंकि इसमें थ्री बकल और टू लिंगुअल सर्फेसिस होती हैं, क्योंकि इसकी टू लिंगुअल कस्प होती हैं। यानी कि इस तरह से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। मैंने साइड पर सारी यानी कि जो इसके अंदर समरी लिखी हुई है इसको मैंने पॉइंट्स में लिख लिया हुआ है, ठीक है। यही आपको इसी तरह से एमसीक्यूज आएंगे और इसी तरह से आपको एसीक्यू में आप लिख लेंगे और साथ आप डायग्राम बना लेंगे, आपने भी इसी तरह से इसको जो है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास जो है मेमेलॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, तो आपने भी इसी तरह से जो भी बुक में लिखा हुआ है उसको इस तरह से बाहर लिख लेना। अगर आप चाहते हैं कि इसकी मैं डिटेल वीडियो बना के जो मैंने लिखा हुआ है वो मैं आपको समझा दूँ, तो मैं इसकी भी वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूँगी। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वीडियोज़ की आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास इस तरह से लोब्स का आपको पता होना चाहिए, सब में कितने कितने कवर, स्पी कवर, विल्सन, इनमें डिफरेंस और डायग्राम पता होनी चाहिए, ठीक है। ये रूट वेंचुलर कर्व है अपसाइड एंड
फॉर्म द इंटीरियर टू पेस्टीरियर वन आर ऑफ द, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्या ये सर्फेसिस आ जाती हैं, कितनी इंटीरियर टीथ में ट्राइंगुलर सर्फेस होती है, मैक्सिलरी पोस्टीरियर टीथ की जो है शेप ट्रेपेजाइडल होती है, मैंडिबल पोस्टीरियर टीथ की रूम्बाइडल होती है, बाकी सर्वर की जरूरत ही नहीं है। अच्छी इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इंटर प्रॉक्सिमल सर्फेस इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए और किधर किधर प्रेजेंट होती है, कितनी प्रेजेंट होती है, ये चीज़ें आपको बस पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से ये कॉन्टैक्ट एरिया जो है इसको आप तीन दफ़ा घूर चू कर लें। इम्प्रेसिस इसके जो है डेफिनेशन आ जाती है, ये आपको पता होनी चाहिए और ये लाइन आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इस फेशियल एंगल वगैरह ये सारी चीज़ें जो है आप इस तरह से एक दफ़ा इनको रीड आउट कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बता होना चाहिए। उसके बाद ये जो आगे टीथ वगैरह आ जाती है इनकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।